हेलो दोस्तों, मैं हूं विवाकर सिंह और आप देख रहे हैं नेट सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के बारे में बताऊंगा। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो इस तरह से अपने वेबसाइट को सर्च करके वहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने का या ऑनलाइन करने का सिस्टम एक ही होता है, थोड़ा थोड़ा ऑप्शन का अंतर होता है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने नेट सॉल्यूशन चैनल को यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का मिलेगा, इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अपना ब्लॉग स्पॉट है nsnetsolution.net, इस ब्लॉग स्पॉट पर आप सारा सीसी रिलेटेड अपडेट पढ़ सकते हैं। और यहाँ अपना एक वेबसाइट है xratechhindi.com, इसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भरा जाता है। तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने से क्या होता है, सर्च इंजन जो है जल्द से जल्द जो है सही वेबसाइट को सर्च करके आगे ले आता है, तो बहुत ही आसानी होती है। तो मैं सबसे पहले इसमें सर्च करूँगा बिहार इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है पे। आप अगर अदर स्टेट हैं तो अपने स्टेट का करेंगे तो वो वेबसाइट फर्स्ट लिंक पे आ जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मेरा वेबसाइट एक नंबर पे आ गया, इस तरह से आपके स्टेट का भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आप जिस एरिया से हैं, रूरल हैं या अर्बन हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपसे कस्टमर अकाउंट नंबर पूछा जाता है। तो मैंने एक वीडियो में आपको, चलिए कस्टमर अकाउंट नंबर के बारे में एक वीडियो में बता देता हूँ वो क्या होता है। हाँ, तो वो अकाउंट नंबर ही यहाँ पे एंटर करना है। तो वो अकाउंट नंबर में होता है, ये बिल आपको इस तरह का बिल आता है जो कि आप इस तरह से पेमेंट करेंगे। ये पॉस मशीन से जो बिल लेने वाले आते हैं वो आपको दे देते हैं। और अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको देखिए, अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख जा रहा है NAU से, जहाँ पे यही अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपको ये जो डेस्कटॉप पे मैंने दिखाया ये आपका ऑप्शन खुलेगा। तो डेस्कटॉप पे मैंने पूरा जैसा बता दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और एंटर करने के साथ ही यहाँ पे बिल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, बिल करने के बाद यहाँ पे 389 का बिल दिखा रहा है जो कि अकाउंट से आपका कटेगा। तो मैं यहाँ पे नाउ करने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाउ पे क्लिक करूँगा। नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना कस्टमर का मोबाइल नंबर दे दें और वो मोबाइल नंबर उनका रजिस्टर्ड हो जाता है। तो मैं उनका मोबाइल नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और कस्टमर का ईमेल आईडी देंगे तो वो रजिस्टर्ड उनका हो जाएगा। तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे दे करके नाउ पे क्लिक, देखिए मैं मोबाइल नंबर कस्टमर का और ईमेल आईडी डाल दिया हूँ और यहाँ पे मैं नाउ पे क्लिक करता हूँ। नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये प्रोसेस्ड में जा रहा है। तो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो उससे आप कर सकते हो। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे पेयू मनी का आ गया है। पेयू मनी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है, बढ़िया पेमेंट सिस्टम लेता है ये। तो चलिए, पेयू मनी है तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना डेबिट कार्ड निकाल लेता हूँ जिस डेबिट कार्ड से मुझे पेमेंट करना है। यहाँ पे मैं इलाहाबाद के ATM कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ। थोड़ा सा नेट स्लो रहने के कारण ये प्रोसेस ले सकता है, तो उसके लिए वेट करना है आपको। जब तक वो ऑप्शन नहीं आता है तब तक वेट कीजिए। तो ये प्लीज वेट, लोडिंग हो रहा है, देखते हैं कब तक मेरी लोडिंग कम्प्लीट हो जाता है। तब तक मैं पॉज कर देता हूँ, आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए। आप भी देखिए, आप क्या करना है, इसे पे नाउ करना है। पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करने के साथ यहाँ पे देखिए, इसका गेटवे ओपन हो रहा है और यहाँ पे लोडिंग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले से ले लिया है। तो मैं यहाँ पे एंटर करके पॉज पूरा देख। चलिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस हम कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, अब मुझे OTP आएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस्ड ले रहा है और यहाँ पे देखिए OTP आ चुका है। और OTP मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। OTP है 710103 और इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये पेमेंट जो है देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अरे, ट्रांजेक्शन फेल्ड। तो किसी कारण बस ये फेल्ड बता दिया है, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ
पे मैं चेक कर लेता हूँ अपना नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके कि कहीं वो ओपन तो हो नहीं चुका है। पेमेंट कट जाने के बाद दोबारा पेमेंट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर चुके हैं, अकाउंट समरी पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना तो बैलेंस तो अभी तक नहीं कटा है। और मैं फिर से एक बार इसका स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ ताकि मैं पूरा कंफर्म हो सकूँ। मुझे जिस अकाउंट का चेक करना है वो अकाउंट सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसे डिस्प्ले कर देता हूँ। क्रेडिट, ये पेमेंट क्रेडिट कब हुआ था पता नहीं। तो यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं कटा है दोस्तों, देख लिए मैंने 30/8 तक का जो पेमेंट है वो यहाँ है और यहाँ पे 11/8 तक का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्लियर बैलेंस यहाँ दिखा रहा है, तो मैं फिर से यहाँ पे प्रोसेस कर देता हूँ। डेबिट कार्ड पे यू मनी, देख लेता हूँ मैं फिर से बैक ये हो गया। सब सिस्टम था सर, इधर उधर साफ सुथरा जो किए थे कैनन के, हाँ कैनन का, लेकिन सस्ता में बढ़िया प्रिंटर दिया है। तीन हजार का तो बहुत अच्छा आता है। हाँ कितना दिया? 3000 में, 3000 की 3500 में दिया था इसमें। कौन है टैंक वाला? मैं भैया सुई करा है लेकिन फिर भी ठीक है, रेंज के अनुसार से इसका प्रिंट क्वालिटी बढ़िया होता है। फिर का बचक गया है, नौकरी लेना लीजिए ना किसी तरह, कहीं है ना भाग रहा लगाइए ना, रेलवे तरवे का है तो कहाँ निकल रहा है भैया, अभी ध्यान नहीं दे रहा आपका क्या? वो तो चले गए कुछ, तो बंद हो गया तब कहाँ शादी हुआ उनका? ना अभी कहाँ, अभी ट्रेनिंग है, चक्कर लग गया ना, क्रॉस लग गया था फिर इधर बुलाया, फिर चल रहा है। किनको क्रॉस लगा था? लगा क्या चीज़? टेक्निकल एग्जाम हुआ था, एग्जाम में ट्रेनिंग में टेक्निकल होता है ना, कोर्स लेके फिर से बुलाए, फिर से गए लास्ट ईयर, अभी तो ट्रेनिंग ही चल रहा है, साल भर हो गया। सर एक साल ट्रेनिंग करवाता है? एक साल नहीं, 4 महीने पता है ट्रेनिंग, बीच में बैठा दिया 3 महीने। क्या है नया बैच आ रहा था, ले जाएगा आपको। अच्छा फिर नया बैच निकला,
साढ़े चार महीने बाद बुलाया, अभी ट्रेनिंग है मैम दिसंबर तक मैं बोला के लिए। Thank you.